Hello everyone and once again welcome to Umar Taskeer YouTube channel, myself Umar Taskeer. Guys, इस particular video से हम लोग एक नए course को, नई playlist को start करने वाले. Guys, हम लोग start करने वाले हैं SEO course को. तो guys, सबसे पहले मैं इस particular video के agenda को आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग basic चीज़ें discuss करने वाले हैं, क्योंकि ये वाला जो video है हमारा, ये introductory video. सबसे पहले हम लोग SEO के around कुछ history का discussion करेंगे. बहुत ही basic सी चीज़ है ये, बट बहुत ही interesting है. Second जो है, हम लोग SEO की basic definitions वगैरह को cover करने वाले, यानी कि कुछ introduction की बात करेंगे. थर्ड, हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कौन वो लोग हैं या कौन वो प्रैक्टिशनर्स हैं जो एक्चुअली एसईओ को यूज करते हैं. तो इन सारी चीजों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. और गाइस, यहां पर जो आप सबसे पहली लाइन देख रहे हो, पहली स्लाइड में सबसे पहली लाइन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है. और गाइस, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो लाइन है ना, आप ये थ्रू आउट द कोर्स ना इस चीज का आप ध्यान रखें. गाइस, यहां पर आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है फाउंडेशन ऑफ एसईओ रिमेन सेम. आपको समझना होगा कि जो फाउंडेशन है एसईओ की या जो बेसिक्स हैं एसईओ के, वो हमेशा सेम रहते हैं. आप क्या करते हो, आप बहुत सारी हैक्स, टिप्स, ट्रिक्स, इन सारी चीजों के ऊपर भागते हो, बट आप बेसिक्स को भूल जाते हो. मैं आपको बताता हूं, अगर आप बेसिक्स को ही ठीक तरीके से इंप्लीमेंट कर लोगे ना, आपको एडवांस वगैरह चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आप इस चीज के पीछे भागते हो कि किसी तरीके से आपको बस ब्लैक हैट एसईओ के बारे में पता चल जाए, कुछ ऐसे लूप होल के बारे में पता चल जाए कि आप वो चीज तुरंत जो है वो अप्लाई करो और आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक हो जाए. गाइस, मान लेते हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक हो भी गई, बट अगर आपने उसको ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक के थ्रू किया हुआ है, या कुछ भी आपने ना थोड़ा सा भी जुगाड़ टाइप से लगा के अगर अपनी वेबसाइट को रैंक किया है ना, जैसे ही गूगल की नेक्स्ट अपडेट आएगी, जैसे ही गूगल का एल्गोरिदम जो है वो अपडेट होगा, आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस से बाहर चली जाएगी. तो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर, जिन चीज़ों को मैं आप के साथ डिस्कस करूंगा यहां पर, वो सारी वही चीजें हैं जिनको मैं प्रैक्टिस करता हूं. और मैं बिल्कुल भी ब्लैक हैट एसईओ को या बिल्कुल भी जो रिलेटेड नहीं है, जो भी गूगल की गाइडलाइंस है या जो जेन्युइन नहीं है, जो रियल नहीं है, मैं उसको बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करता हूं. मैं शॉर्टकट्स में बिलीव नहीं करता हूं. जो गूगल की रिकमेंडेशंस हैं, जो जेन्युइन है, मतलब गूगल की अगर रिकमेंडेशंस को आप भी ना थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, थोड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे, तो आपको भी लगेगा कि गूगल की जितनी भी रिकमेंडेशंस है जेन्युइन है, और इन्हीं के सहारे से ना वेबसाइट को रैंक कराया जा सकता है. गाइस, थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, क्योंकि कंपटीशन होगा, है ना, तो थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है आपको अपनी वेबसाइट को रैंक कराने में. बट अगर आप बेसिक्स को ही ध्यान रखेंगे ना, तो आपके बेसिक्स ही एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स के बराबर होते हैं. तो गाइस, जो बेसिक्स ऑफ एसईओ है वो कभी नहीं बदलता. यहां पर मेरा कहने का मतलब थोड़ा सा एल्गोरिदम से भी है. देखो, अगर हम गूगल की बात करें, तो आपको पता है गूगल एज अ सर्च इंजन, अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि गूगल एज अ सर्च इंजन जो है वो एल्गोरिदम्स के ऊपर ऑपरेट करता है ना, ये एल्गोरिदम्स के ऊपर ऑपरेट करता है, एल्गोरिदम ड्रिवन ये चीज है. तो गाइस, मेजरली अगर हम एल्गोरिदम्स किस तरीके के यूज होते हैं गूगल सर्च इंजन में, या जो है गूगल के ऊपर जब हम लोग सर्च करते हैं तो जो हमें रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, उन रिजल्ट्स को शो कराने के लिए किस टाइप के एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, या गूगल अपने जो वेब पेजेस हैं उनको इंडेक्स करने के लिए, उनको क्रॉल करने के लिए किस टाइप के एल्गोरिदम्स को यूज करता है, उनकी अगर हम लोग बात करें तो दो तरीके के मेन एल्गोरिदम्स होते हैं. एक तो हो गए हमारे कोर एल्गोरिदम्स, ठीक है, और कुछ एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं जो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ना, वो एल्गोरिदम्स धीरे धीरे अपडेट होते रहते हैं, ठीक है. तो मैं बात कर रहा हूं इन कोर एल्गोरिदम्स की, ठीक है. जैसे कोर एल्गोरिदम्स में ही चीज है कि अगर आपके कंटेंट में वैल्यू है तो वो कंटेंट रैंक होगा, ठीक है. अगर जो आपका कंटेंट है, राइट, जो आपका कंटेंट है वो यूजर की क्वेरी के रिलेवेंट है, तो आपका कंटेंट रैंक करेगा, राइट. ये एल्गोरिदम की कोर चीजें हैं, ये एल्गोरिदम का बेस बनाता है, और ये चीजें नहीं चेंज होती, ठीक है. इन्हीं एल्गोरिदम के बेस के अराउंड, ये जो फाउंडेशन है इसी के अराउंड, तो गूगल ने आपको कुछ रिकमेंडेशंस दे रखी हैं. गूगल ने बोल रखा है आपको कि अगर ये सारी आप चीजें करते हो तो मोर लाइकली है कि आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक हो जाए. और वही सारे स्टेप्स हम एसईओ में पढ़ते हैं, ठीक है. हम एसईओ में क्या पढ़ते हैं, एसईओ इज एक्चुअली अ प्रोसेस, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो वेब पेजेस होते हैं उनको सर्च इंजन्स में हम लोग रैंक कराते हैं. बट वो प्रोसेस जिसके हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो मल्टीपल स्टेप्स हम लोग देखते हैं, वो स्टेप्स क्या हैं, वो स्टेप्स एक्चुअली यही गूगल की रिकमेंडेशंस है. तो अगर हम गूगल की रिकमेंडेशंस को ही ध्यान से समझने की कोशिश करें कि गूगल क्या रिकमेंड कर रहा है और क्यों रिकमेंड कर रहा है, और गूगल का जो बेस एल्गोरिदम है वो किस तरीके से इंडेक्सिंग करता है, किस तरीके से क्रॉलिंग करता है, किस तरीके से कॉन्टेंट को जो है यूजर के सामने लेकर आता है, तो आपको सारी चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी. आपको कीवर्ड स्टफिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कॉन्टेंट स्पिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो ब्लैक हैट एसईओ है ना उसकी तरफ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टिप्स ट्रिक्स
ट्रिक्स हैक्स इन सारी चीजों की तरफ नहीं भागेंगे, तो आप अपने बेस को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर लेना कि एसईओ ही आपको आसान लगने लगेगा। और वही इस पूरे कोर्स का जो है वो पर्पस होगा कि आपकी जो फाउंडेशन है वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग करी जा सके। क्योंकि मैं देखता हूं जो एसईओ में सबसे बड़ी गलती होती है वो यही होती है कि अगर हम आपसे पूछे कि गूगल की 50 रिकमेंडेशंस आप बता दो, आपको मुश्किल लगेगा, आप 50 रिकमेंडेशन भी उतनी आसानी से नहीं बता पाते। तो रीजन क्या है कि आपने जो रिकमेंडेशंस हैं या जो इनकी हम इसको इस तरीके समझ सकते हैं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वही आपको नहीं पता होती है ना। आप सोचते हो बस मैंने आर्टिकल लिखा है, मैंने ब्लॉग लिखा है, मैंने कंटेंट बनाया और बस वो रैंक हो जाए किसी तरीके से, मुझे लोग बता दें कि मैं 10 जगहों पर जाकर कहां पर कीवर्ड अपना रख दूं और मेरा जो वेबसाइट है या वेब पेज है वो रैंक हो जाए। ऐसे नहीं होने वाला है आज के टाइम में, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। पहले ऐसा होता था, ठीक है, पहले ऐसा होता था कि आप कुछ जगहों पर जाकर भी अगर कीवर्ड्स को रख देते थे तो आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक हो जाती थी, ठीक है। तो इस माइंडसेट के साथ अगर आप जो है इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, इस कोर्स को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये एसईओ स्टार्ट कैसे हुआ, ये टर्म कहां से आया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की क्यों बात होती है, क्या ये कोई नई चीज है या ये बहुत पुरानी चीज है। तो गाइज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोई आज का टर्म नहीं है, काफी पुराना टर्म है ना। तो गाइज जैसे ओवर द टाइम अगर हम बात करें, धीरे धीरे जिस तरीके से इंटरनेट पॉपुलर होता गया, ठीक है, www जिस तरीके से पॉपुलर होता गया, बहुत सारी वेबसाइट्स बनने लगी। मान लेते हैं ये बहुत सारे वेबसाइट ओनर्स हैं, है ना, और इन्होंने क्या किया, अपनी अपनी वेबसाइट बना ली। अब ये वेबसाइट ओनर्स जो है आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये बहुत सारे बिजनेस पर्सन्स हैं और इन्होंने अपनी अपनी जो वेबसाइट्स है बना ली, बहुत सारी वेबसाइट्स डिफरेंट डिफरेंट निशेज में, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट डिफरेंट निशेज में, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बहुत सारी वेबसाइट्स आने लगी। रोज जो है ना हजारों वेबसाइट बनने लगी जैसे जैसे जो इंटरनेट है जितना ज्यादा पॉपुलर होता रहा। अब गई सी वेबसाइट आखिर बन किसके लिए रही थी, ये बन तो यूजर्स के लिए रही थी, ठीक है। अब यहां पर वेबसाइट्स के नंबर बढ़ते जा रहे थे, यहां पर वेबसाइट के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, रोज नई नई वेबसाइट्स बनती जा रही हैं, बट यूजर को वो वेबसाइट्स के बारे में पता नहीं चल रहा है। लेट्स से यहां पर आज जो है एजुकेशन की वेबसाइट्स बनी, एग्जांपल केवल मान रहे हैं हम लोग कि 100 एजुकेशन की वेबसाइट्स बनी, बट क्या इन 100 वेबसाइट्स के बारे में इन यूजर्स को पता चला, नहीं, इन यूजर्स को इन 100 वेबसाइट्स के बारे में नहीं पता चला। बट गाइस ये वेबसाइट्स बन किसके लिए, यूजर्स के लिए बन रही। अब यूजर को तो पता नहीं चल रहा है कि कोई वेबसाइट बन गई है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई कि बहुत सारी वेबसाइट्स बन रही और यूजर को उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता चल रही है। तो बिजनेस ओनर्स या जिनकी हम बात करें जो वेबसाइट ओनर्स हैं, ये लोग भी परेशान होने लगे, हमारी वेबसाइट ना यूजर्स तक पहुंच नहीं रही है। तो इन्होंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जहां से सारी वेबसाइट्स को एक्सेस किया जा सके, जहां से सारी वेबसाइट्स को एक्सेस किया जा सके। तो सबसे पहले सर्च इंजन से भी पहले जो चीज बनी वो बनी थी गाइस वेब डायरेक्टरीज। क्या बनी हुई थी, वेब डायरेक्टरीज। अब वेब डायरेक्टरीज में कैटेगरी वाइज ना बहुत सारी जो है वेबसाइट्स आ गई, जैसे एडुकेशन की इसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई, ट्रैवल की इसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई, यहां पर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, यहां पर न्यूज से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो आने लगी। बट गाइज वेबसाइट्स इतनी तेजी से उतनी ज्यादा बढ़ रही थी ना कि वेब डायरेक्टरीज के भी बस की बात नहीं थी कि इस चीज को हैंडल किया जा सके। तो गाइज यहां एक समस्या आई, जहां समस्या होती है वहां समाधान भी होता है, जहां प्रॉब्लम होगी वहां सोल्यूशन भी होगा। इसने जन्म दिया सर्च इंजन्स को, राइट, और सर्च इंजन्स एग्जिस्टेंस में आ गए, ठीक है। तो अब क्या था, अब यूजर जाते थे सर्च इंजन के ऊपर और अपनी क्वेरी जो है वो एंटर करते थे और उस क्वेरी के रिलेवेंट जो भी सर्च इंजन को पेज लगता था वो पेज जो है सर्च इंजन शो करा देता था। याहू वाज द फर्स्ट, ठीक है, बहुत पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ, सबसे पॉपुलर जो हुआ था स्टार्टिंग में ही वो सर्च इंजन था हमारा याहू, वो गूगल नहीं था। गूगल तो बहुत बाद में जो है वो गेम में आया, लेकिन गूगल ने यूजर को समझा, गूगल ने समझा कि अगर हम यूजर को सही और रिलेवेंट जो रिजल्ट्स है वो दे पाएंगे तब तो हम यहाँ मार्केट में टिक पाएंगे। और इस चीज़ को याहू नहीं समझ पाया, इसलिए याहू जो है ना वो गेम से बाहर हो गया और जो गूगल है वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। और आप एसईओ पढ़ते किसका हो, आप पढ़ते तो गूगल का ही हो, आप बिंग का भी एसईओ उतना नहीं पढ़ते हो जितना आप गूगल का एसईओ पढ़ते हो, राइट। तो सर्च इंजन इस तरीके से डेवलप हुए, अब और भी ज़्यादा वेबसाइट्स आने लगी, ठीक है, और भी ज़्यादा वेबसाइट्स आने लगी, वेबसाइट्स की पावर बिजनेस ओनर्स को पता चलने लगी। लोगों को लगा कि अब तो लोग जो हैं या दुनिया जो है वो इंटरनेट की तरफ भाग रही है, लोग वेबसाइट्स देख रहे हैं और वेबसाइट्स लोग देख रहे हैं और वेबसाइट पे हमारा बिजनेस मेंशन है, तो अगर हमारी वेबसाइट लोगों तक पहुंच गई किसी भी तरीके से तो हमें बिजनेस मिलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली बिजनेस ओनर्स को समझ में आने लगा कि भाई वेबसाइट ना लोगों तक पहुंचानी है,
ठीक है, लोगों तक पहुंचानी। अब इधर सर्च इंजन भी आ गए थे, अब ये एक बिजनेस ओनर है, इसके पास अपनी वेबसाइट है, इसका बिजनेस है लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का, एग्जांपल ले लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का। अब इसने सोचा कि हम ऐसा क्या करें कि सर्च इंजन में कोई भी अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज डाले तो जो मेरे साथ 50 लोग और हैं ना, उनकी वेबसाइट ना रैंक हो, मेरी वेबसाइट पहले नंबर पे आ जाए, या वो हमसे पीछे रहें, हम उनसे आगे निकल जाएं। ठीक है, तो इस बिजनेस ओनर ने या जो भी टेक्निकल पर्सन है उसने स्टडी करना शुरू किया, उसने समझना शुरू किया कि आखिर ये सर्च इंजन किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से सर्च इंजन किसी वेबसाइट को पहली पोजीशन के ऊपर लाता है। तो सर्च इंजन ने खुद ही बता दिया, गूगल ने खुद ही बता दिया कि अगर आपको पहली पोजीशन पे आना है ना, तो ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आप इन सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को करो, आप भी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ जाओगे। हम इस तरीके से काम करते, हम इस तरीके से क्रॉलिंग करते, हम इस तरीके से इंडेक्सिंग करते। तो सारा काम तो सर्च इंजन ने ही कर दिया, सारी इंफॉर्मेशन तो आपको सर्च इंजन नहीं बता दी। अब हम आज के टाइम में एज ए SEO पर्सन हैक्स के पीछे पड़े हुए, हम नहीं समझ रहे हैं कि गूगल क्या रिकमेंड कर रहा है, गूगल का जो एल्गोरिदम है वो किस तरीके से काम करता है। अगर हमें ये चीजें समझ में आने लगी, गूगल की बातें हमें समझ में आने लगी, गूगल की क्या रिकमेंडेशन है, उसका एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है, तो हम भी उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को करेंगे। और अगर हम उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ही कर रहे हैं। तो एक बहुत ही क्विक सी ना हिस्ट्री थी कि ये सारी चीजें ना किस तरीके से कॉन्सेप्ट में आई। ठीक है, तो SEO स्टार्ट होने से पहले सर्च इंजन्स आ गए थे, और सर्च इंजन्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो बनने लगी थी और वो वेबसाइट्स यूजर तक पहुंच नहीं रही थी, तो सर्च इंजन्स मीडिएटर्स बन गए यूजर्स और वेबसाइट्स के बीच में, और रिलेवेंट जो वेबसाइट्स हैं या वेब पेजेस हैं वो यूजर तक पहुंचाने लगे, जिसने अब एक नई चीज को जन्म दे दिया, विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बेसिक डेफिनेशन की बात करें एक बार में कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो किस तरीके से काम करता है, ये क्या है एक्चुअली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो आप देख सकते हो इट इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, ठीक है, डिजाइन टू इंप्रूव द अपियरेंस एंड पोजिशनिंग ऑफ वेब पेजेस इन ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट, बस और कुछ नहीं है, है ना। तो आपने क्या देखा यहां पर, विच इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, और इन प्रैक्टिसेस को SEO के अंदर हम तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा ऑन पेज SEO, एक होता है हमारा ऑफ पेज SEO, एक होता है हमारा टेक्निकल SEO, और ये स्टेप्स हमने खुद से थोड़ी ना बनाए। आपने कहा कि कीवर्ड को आपको ऑन पेज के रिस्पेक्ट में आपको हेडिंग वन में रखना है, किसी ने अपने आप से सोच लिया था कि हेडिंग वन में रखना है, या गूगल की रिकमेंडेशन को हम फॉलो करते हैं, हम गूगल की ही रिकमेंडेशन को फॉलो करते हैं, फाइन। तो गूगल की अगर रिकमेंडेशन को आप नहीं फॉलो करोगे तो गूगल जो आगे अपडेट्स करने वाला है, ठीक है, पता चला आपने गूगल को आज इग्नोर कर दिया, तो गूगल जो ना आगे आने वाले टाइम में अपडेट्स करने वाला है ना, आपकी वेबसाइट उस अपडेट के अकॉर्डिंग नहीं होगी, है ना। गूगल जो आज रिकमेंडेशन हमें दे रहा है, हम उसे आज के टाइम में इग्नोर कर रहे हैं, गूगल कल को अपने अपडेट लाएगा तो क्या हम स्टैंड कर पाएंगे अपनी वेबसाइट को लेकर उसके सर्च इंजन में, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमारे पास ये जो सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, ये जो हम स्टेप्स करते हैं, इन्हीं स्टेप्स को हम लोगों ने गूगल की रिकमेंडेशन के अनुसार तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। हम ऑन पेज करते हैं, हम ऑफ पेज करते हैं, और हम लोग टेक्निकल SEO करते हैं। ठीक है, तो ऑन पेज में हम अपनी वेबसाइट के ऊपर, जब कभी भी हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ चेंजेस करते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज ऑन पेज। ऑफ पेज में जनरली जो है हमारे बैक लिंक्स आ जाते हैं, या लिंक गेनिंग आ जाती है, या लिंक्स किस तरीके से बनाएं, कैसे ज्यादा ज्यादा लिंक्स, क्वालिटी लिंक्स हम लोग लेकर आए, ये सारी स्ट्रैटेजीज, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हमारा आ जाता है ऑफ पेज SEO में। टेक्निकल SEO में कुछ और चीजें हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं SSL सर्टिफिकेट्स की, कि SSL सर्टिफिकेट जो है प्रॉपर्ली लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। हम लोग बात करते हैं यहां पर स्पीड की, हमारी वेबसाइट की स्पीड कैसी है। हम लोग बात करते हैं यहां पर मोबाइल फ्रेंडलीनेस की, कि हमारे जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। देखो आज के टाइम में तो हम लोग बहुत ही जोर शोर से बोलते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है ना वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, हमारी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। अब आप खुद सोचो, जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन शुरू हुआ होगा तब क्या ये फैक्टर उतना इंपॉर्टेंट था, नहीं था। ठीक है, तो गूगल ने देखा कि यूजर्स अब तो ज्यादा से ज्यादा मोबाइल से आ रहे हैं, तो यूजर का एक्सपीरियंस ना खराब हो, इसलिए उसने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। ठीक है, कल को गूगल को कुछ नई चीज लग जाएगी तो नई चीज लेकर आ जाएगा। तो आप अगर गूगल की जो रिकमेंडेशंस हैं उन्हीं को सही तरीके से फॉलो करेंगे, आपकी वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेहतर तरीके से होगा। चैलेंज आएगा, चैलेंज इस चीज में आएगा क्योंकि आप ही नहीं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर्स भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। आप ही थोड़ी ना हो जो केवल
एक कीवर्ड के ऊपर जो है अपनी वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश कर रहे हो, दूसरे लोग भी रैंक कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें बेहतर बनना है, हमें शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने हैं, हमें बेहतर बनना है। यही एक चीज जो आप अगर ध्यान रखेंगे, यू विल बिकम सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं बेसिकली जो लोग एसईओ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कौन लोग हैं जो एसईओ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, किनके लिए एसईओ है, ठीक है। तो जो एक्चुअल प्रैक्टिशनर्स ऑफ एसईओ है उनकी अगर हम लोग बात करें, तो आज के टाइम में बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, वो अर्निंग के पर्पस से एसईओ को सीख रहे हैं, एसईओ को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो अपना ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशनल ब्लॉग बनाते हैं, निश कुछ भी हो सकती है, मैं निश की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, निश की मैं बात नहीं कर रहा हूं, निश कुछ भी हो सकती है, वो अपना ब्लॉग बनाते हैं अर्निंग के पर्पस से, अर्निंग के भी अलग अलग तरीके हैं, लेट्स से वो स्पॉन्सरशिप से अर्न करना चाहते हैं, लेट्स से वो एडसेंस से अर्न करना चाहते हैं, तो ये अलग अलग चीजें, इनको भी मैं आगे भविष्य में डिस्कस करूंगा। बट ये जो हमारे पास यहां पर ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, इन्होंने कुछ कॉन्टेंट लिखा और ये कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर जो है अगर अपने कंटेंट को रैंक करा देंगे तभी तो इनके पास ट्रैफिक आएगा, और ये सारी चीजें जो मैंने यहां पर मेंशन करी हुई हैं, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हैं, या अल्टीमेटली जो अर्निंग है वो तभी पॉसिबल है जब ये रैंक होगा, ठीक है, कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग होगी, तो इनको एसईओ की जरूरत है। बिजनेस ओनर्स को एसईओ की जरूरत है, ठीक है, उनको पता है कि जैसे पीपल आर सर्चिंग फॉर बेस्ट आईआईटी कोचिंग, ठीक है, तो दिस इज द मेन कीवर्ड, लोग इसको सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर, तो उन्हें भी अपनी वेबसाइट को इस कीवर्ड के ऊपर ऊपर लेकर आना है, टॉप में लेकर आना है, टॉप थ्री में लेकर आना है, ताकि उनकी वेबसाइट के ऊपर भी ज्यादा ज्यादा ट्रैफिक आ सके और वो जो उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है वो सेल कर सके। ऐसा नहीं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन केवल आपकी नॉर्मल वेबसाइट्स के लिए भी होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, बट ये डिफरेंट होता है टोटली जो हमारी नॉर्मल वेबसाइट्स होती है। तो जब ई कॉमर्स एसईओ का मॉड्यूल हम लोग शुरू करेंगे तब उसमें हम लोग डिटेल में करेंगे। Then we come to affiliate marketers, ठीक है? Affiliate marketers भी हैं जो content लिखते हैं और उस content को rank कराते हैं, ताकि वो content जब rank होगा तो traffic उनकी website के ऊपर आएगा और उनके affiliate link से जो भी उन्होंने product या service जो भी उन्होंने recommend करी है लोग उसको खरीदेंगे और उसके एवज में उनको commission मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि SEO को आज के time में ना कितनी जगहों पर implement किया जा रहा है। Business owners की मैंने तो निश ही नहीं रखी, कोई भी ऐसा business owner नहीं है जिसके पास website हो और वो SEO ना करना चाहता हो, ऐसा कोई नहीं है। तो फील्ड बहुत बड़ी है, ठीक है, एक जेन्युइन फील्ड है ये, बहुत सारे लोग इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस फील्ड से बेनिफिटेड हैं, बहुत सारे लोगों को इस चीज की जरूरत है, बट हमें किस चीज को ध्यान रखना है गाइस। देखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोई 2+2=4 नहीं है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज नेवर 2+2=4, बहुत ही बेसिक नहीं है, सिंपल नहीं है, स्टेप्स नहीं है इसके अंदर कि ये कर लिया तो ये हो गया, ये कर लिया तो ये हो गया, ये कर लिया तो ये हो गया, ये रिलेटिव है, राइट, रिलेटिव है। जैसे अगर आपका कॉम्पिटिटर बहुत वाहियात एसईओ कर रहा है, बिल्कुल भी एसईओ नहीं कर रहा है एक कीवर्ड के ऊपर, तो अगर आप एसईओ करते हो तो आप रैंक हो जाओगे जल्दी। आपका कॉम्पिटिटर बहुत जबरदस्त एसईओ कर रहा है, बहुत ही अच्छा एसईओ कर रहा है उसने, बहुत ही अच्छे उसके बैकलिंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसने ऑन पेज किया, उसका पेज रैंक हो रहा है, उसको बीट करने में आपको टाइम लगेगा, उसको बीट करने में आपको और ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, तो इट इज एक्चुअली रिलेटिव, इट्स नॉट सिंपल स्टेप्स, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट हम लोग बेस को ना इतना स्ट्रांग करके चलेंगे कि एसईओ की सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, डाउट है तो कमेंट करें, कोई भी सजेशन है तो भी कमेंट करें, और इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको सही तरीके से एसईओ सीखने का मौका मिले। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।